Good morning, students. I am here going to teach you the pharmaceutics 2 subject of B.Pharm second year. The first chapter in this subject is prescription. Prescription, very commonly used term. आप लोगों ने काफी commonly सुनी होगी ये term. Normal language में लोग इसको पर्ची बोलते हैं, doctor की पर्ची. ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे what is prescription, what is the definition of prescription. So prescription is an order written by physician, dentist or any other registered medical practitioner to a pharmacist to compound and dispense a specific medicament to the patient. So क्या होती है prescription? Prescription होती है एक order. लिखा किसने होता है? A qualified prescriber ने. Qualified prescriber means एक क्वालिफाइड फिजिशियन हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकता है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है. और इस ऑर्डर को उसमें लिखा किसको होता है? फार्मासिस्ट को लिखा होता है. क्या होता है इस ऑर्डर में? इसमें उसमें लिखा होता है कि पेशेंट को कौन कौन सी मेडिकामेंट देनी है, पेशेंट को क्या क्या मेडिसिन उसने जो है कंपाउंड और डिस्पेंस करनी है. तो ये होती है प्रिस्क्रिप्शन, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें प्रिस्क्राइबर जो है एक क्वालिफाइड पर्सन है और वो फार्मासिस्ट को, एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को वो प्रिस्क्रिप्शन आती है और वो प्रिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मेंशन होता है कि पेशेंट को उसने क्या क्या डिस्पेंस करके देना है. ठीक है? तो इसलिए जो प्रिस्क्रिप्शन है इसमें होता क्या है, इसमें डायरेक्शन होती है. डायरेक्शन किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए. क्या डायरेक्शन होती है? कि आप ये मेडिकामेंट उसकी इतनी इतनी डोज जो है वो पेशेंट को दे दिए, कंपाउंड करिए, डिस्पेंस करिए, पेशेंट को दे दिए. और साथ में जो डायरेक्शन होती है वो किसके लिए होती है? पेशेंट के लिए होती है. क्या होती है उसके अंदर? कि जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट को बताएगा कि ये वाली मेडिसिन आपने दिन में कितनी बार लेनी है, दिन में आपने कब लेनी है, किसके साथ लेनी है, बिफोर मील, आफ्टर मील, यानी किस टाइम लेनी है. तो ये सारी जो डायरेक्शंस होती हैं ये फार्मासिस्ट पेशेंट को एक्सप्लेन करेगा. इसलिए जो प्रिस्क्रिप्शन है इसको माना जाता है कि ये कॉमन लिंक है तीन बंदों के बीच में. किसके बीच में? फिजिशियन, फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में. इनके बीच में ये एक कॉमन लिंक है. तो जो प्रिस्क्रिप्शन है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है जिसके ऊपर ये सारी चीजें मेंशन होती है. डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, डायरेक्शन टू द पेशेंट. अब जो प्रिस्क्रिप्शन है, जनरली जो प्रिस्क्रिप्शन है ये आजकल जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखी जा रही है, मोस्टली इंडिया में इंग्लिश यूज हो रही है. ओल्डन टाइम्स में लैटिन लैंग्वेज यूज की जाती थी प्रिस्क्रिप्शन में. पूरी की पूरी प्रिस्क्रिप्शन होती लैटिन में लिखी जाती थी. और ये रीजनिंग में क्वेश्चन भी आया है कई बार बोर्ड से पेपर में कि व्हाई लैटिन इज यूज्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन. उसका रीजन ये है कि लैटिन इज अंडरस्टूड थ्रू आउट द वर्ल्ड. लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सारे वर्ल्ड में समझा जा सकता है. यानी अगर एक कंट्री का पेशेंट दूसरी कंट्री में विजिट करता है तो उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको वहां का क्वालिफाइड फिजिशियन भी समझ सकता है. बट आजकल क्या है कि जैसे इंडिया में है तो लोकल लैंग्वेज हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं, इंग्लिश में सारी प्रिस्क्रिप्शन लिखी जा रही है. बट अगर आपने ध्यान से कभी किसी प्रिस्क्रिप्शन को देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी में कुछ ना कुछ लैटिन के वर्ड अभी भी हैं. ओडी, बीडी, आप लोगों ने जनरलाइज ये टर्म्स देखी होगी. ये सारी एब्रीविएशन है किसकी? है लैटिन वर्ड्स की है. तो इसलिए आपको इस चैप्टर में लैटिन को भी पढ़ना पड़ेगा और जो लैटिन लैंग्वेज है उसकी इंग्लिश कन्वर्जन भी आपको याद करनी पड़ेगी. ये आपको एग्जाम्स में जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो सेक्शन ए है उसमें मिनिमम 10 वर्ड्स लैटिन के फाइनल एग्जाम में आते हैं. लैटिन लैंग्वेज भी आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेगी. जो कॉमनली यूज वर्ड है प्रिस्क्रिप्शन में वो आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है? तो ये है आपकी प्रिस्क्रिप्शन. इन जनरल की प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, उसमें क्या क्या डायरेक्शन दी होती है. अब है नेक्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. फाइनल एग्जाम में या आपके सेशनल वाले जो होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो होता है दैट इज व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, राइट वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, 12 क्वेश्चन भी हो सकता है.
तो जब भी आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, सबसे पहले आपको एक डिस्क्रिप्शन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने एक एग्जाम्पल बनाई है डिस्क्रिप्शन की, और इससे अब आपको सारे पार्ट्स का पता चलेगा। तो एक कॉमन डिस्क्रिप्शन में 7 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज डेट, सेकेंड नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, थर्ड इज सुपर डिस्क्रिप्शन, फोर्थ इज इंस्क्रिप्शन, फिफ्थ इज सब डिस्क्रिप्शन, सिक्स इज सिग्नेचर, सेवन इज सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट डेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज मस्ट ऑन ईच एंड एवरी डिस्क्रिप्शन। हर डिस्क्रिप्शन के ऊपर डेट मेंशन करना जरूरी है। रीजन आप सभी जानते हैं कि जब भी पेशेंट आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है तो आप पहले डेट देखेंगे, डेट से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पेशेंट ने आज की प्रिस्क्रिप्शन निकाली है। अगर 2-3 दिन पहले की प्रिस्क्रिप्शन है तो आपको फिर कंसल्ट करना पड़ेगा कि पेशेंट की डिजीज की कंडीशन सेम रही है, कहीं कोई चेंजेस तो नहीं है उसके अंदर, ताकि कोई मेडिकामेंट में चेंज ना हो। इसके अलावा जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स या नार्कोटिक एसिड होते हैं, ड्रग्स ऑफ अब्यूज, ड्रग्स ऑफ एडिक्शन, उसके लिए डेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट से ही जो लोग हैं वो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स जो है रिपीट करते रहते हैं, अगर उन्होंने डेट प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मैंशन ना की हो। तो इसलिए डेट जो है मस्ट है। अगर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं डाली गई है तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंसल्ट करके ऊपर डेट मैंशन करें। नेक्स्ट है नेम। नेम आप जानते हैं किसी भी पेशेंट की आइडेंटिटी मस्ट है, तो नेम जो है उसकी आइडेंटिटी मेंशन करेगा। नेम मीन्स उसका कंप्लीट नेम, उसका कोई पेट नेम भी आपने लिखना है, पेशेंट का कंप्लीट नेम विद सर नेम। अब सर नेम की अपनी वैल्यू है, क्योंकि एक ही वार्ड में, मान लो इंदौर में एक ही वार्ड में सेम नेम के पेशेंट एडमिट है, बट उनका सर नेम अलग अलग है, तो आप पेशेंट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब भी आपने पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस कर दी है। ठीक है, तो सेम नेम होने पर भी अगर सर नेम अलग है तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट है एज। एज मेंशन करना भी बहुत जरूरी है। रीजन आप जानते हैं कि जो बच्चों की डोज होती है वो हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट, तो इसलिए एज मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट इज सेक्स। मेल और फीमेल को मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि बहुत बार दोनों के नेम जो है कॉमन होते हैं, तो क्या होता है कि अगर हम सेम डोज रॉन्ग पेशेंट को दे दें तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रीजन क्या है कि फीमेल में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमको डोज को रिड्यूस करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, उन केसेस में बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होती हैं, तो इसलिए मेल और फीमेल को मेंशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का एड्रेस पता होना बहुत जरूरी है, पेशेंट को बाद में रिकॉल करने के लिए, और इसके अलावा पेशेंट की हिस्ट्री ट्रेस करने के लिए, जहाँ आजकल आप सभी जानते हैं कि कौन डिलीवर ट्रेंड आ रहा है, जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो इवन पेशेंट्स को घर पे मेडिसिन पहुँचा रहे हैं, तो उन केसेस में पेशेंट का एड्रेस पता होना बहुत जरूरी है। थर्ड है आपका सुपर डिस्क्रिप्शन। इसमें देखिए यहाँ पे हमने लिए बेस एक्स एड्रेस, उसके बाद सुपर आरएक्स। आरएक्स वर्ड जो है वो है सुपर डिस्क्रिप्शन। ये जो वर्ड है बेसिकली ये टाइम्स ऑफ मिथोलॉजी सुपरस्टिशन के टाइम से चला आता है। उस टाइम में जो फिजिशियन थे जब भी वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे तो पहले ऊपर आरएक्स लिखते थे। उस टाइम में आरएक्स वर्ड का मीनिंग क्या था कि जो यूपिलर गॉड है उनको माना जाता है गॉड ऑफ हीलिंग। ठीक है, तो जब भी प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखनी होती थी तो वो गॉड यूपिलर को प्रे करते थे अपने पेशेंट की रिकवरी के लिए। बट आजकल इस वर्ड का मीनिंग जो है चेंज हो गया है। आजकल इस वर्ड का जो मीनिंग है लैटिन में आरएक्स का मीनिंग आता है यू टेक, यानी प्रिस्क्राइबर पेशेंट को क्या बोल रहा है, आप ये मेडिसिन लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका इंस्क्रिप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इंस्क्रिप्शन जो आप नॉर्मल अपनी कोई भी घर में पड़ी हुई मेडिसिन देख सकते हैं, उसके ऊपर जो फॉर्मुलेशन मेंशन की गई है, फॉर्मूला मेंशन किया गया है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट और कितनी क्वांटिटी में। अब ये लिखने का एक मेथड होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को मेंशन करते हैं, एक्टिव जो हमारी मेडिकामेंट है उसको मेंशन करते हैं, और उसके सामने हम अपनी क्वांटिटी को मेंशन करते हैं। थोड़ा सा स्पेस देके आपने क्वांटिटी को मेंशन करना है।
कर दीजिए। नेक्स्ट क्या आपने मेंशन करना है, आपने मेंशन करना है कोई भी आपका एडिटिव या एडिटमेंट ऐसा एजेंट जो आपने फर्स्ट ईयर में सारे एजेंट्स पढ़े हैं जो प्रोडक्ट को पैलेटेबल बनाने में हेल्प करते हैं, यानी पीने के लायक या खाने के लायक बनाने में हेल्प करते हैं, ऐसे एजेंट्स आपने नंबर टू पे मेंशन करने हैं। और नंबर थ्री पे आपने क्या मेंशन करना है, आपने व्हीकल, अगर आपकी यूबर प्रिपरेशन है तो वहाँ पे आपने व्हीकल को मेंशन करना है, अगर आपकी सॉलिड प्रिपरेशन है उसमें आप डायलेट को मेंशन करेंगे, अगर आपकी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है तो आप बेस को मेंशन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे है इस प्रिस्क्रिप्शन में क्लोरोफॉर्म वाटर, फर्स्ट ईयर का आपका पहला प्रैक्टिकल एरोमेटिक वाटर्स में आपने क्लोरोफॉर्म वाटर बनाया है, आपने उसका यूज पढ़ा है, यूज एज व्हीकल एज फ्लेवरिंग एजेंट, तो यहाँ पे हम एज व्हीकल एज फ्लेवरिंग एजेंट उसको यूज करेंगे। तो ये है आपका जो है डिस्क्रिप्शन। आजकल आपको इतना ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि सारा कुछ रेडीमेड डिस्क्रिप्शन मार्केट में आ रही है, इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में खुद सेट होके फार्मूला रेडीमेड आप तक पहुँच रहा है, तो आपको खुद कंपाउंड बहुत कम डिस्क्रिप्शन करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या है, डायरेक्शन ऑफ द फिजिशियन टू द फार्मासिस्ट, फिजिशियन फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दे रहा है कि आपने क्या बनाना है, कितना बनाना है, जैसे कोई पाउडर बनाना है कितने पाउडर बनाने हैं, कोई लिक्विड बनाना है तो कितने ml लिक्विड डोजेज फॉर्म आपने बनानी है और पेशेंट को डिस्पेंस करनी है। अब क्योंकि रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में मेंशन है तो आजकल क्या है कि फार्मासिस्ट को सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है, उस रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन में से उसको जितनी भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो पेशेंट को सिर्फ डिस्पेंस करनी पड़ती है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या है, डायरेक्शंस टू द पेशेंट कि पेशेंट ने मेडिकामेंट कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, दिन में कितनी बार लेनी है, इसके साथ लेनी है। बहुत बार मेडिसिन जो है वो आपने इसमें जैसे आप कह सकते हैं कि खाने के बाद आफ्टर मील, बहुत बार बिफोर मील, बहुत बार विद वाटर, ऐसे आपने लेनी होती है। तो जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट को बताता है कि मेडिसिन कितनी लेनी है, मान लो एक टैबलेट है, टू टैबलेट्स हैं, या एक कैप्सूल है, दो कैप्सूल है, लिक्विड है, तो 15 ml डोज है, 10 ml डोज है, कितनी डोज लेनी है, दिन में कितनी बार लेनी है, किस टाइम लेनी है, ये सारी बातें। इसके अलावा कुछ और प्रिकॉशंस भी होती हैं जैसे इमर्शन है, सस्पेंशन है, वहाँ पे जो स्कैंडी लेवल लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज, ये भी फार्मासिस्ट को पेशेंट को बताना पड़ता है कि जब भी आपने लिक्विड से आपने डोज ड्रॉ करनी है आपको वाटर को अच्छे से शेक करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ जो है आपका सिग्नेचर में आता है। और लास्ट है सिग्नेचर एड्रेस एंड स्टेशन नंबर द प्रिस्क्राइबर। जो भी डॉक्टर, जो भी क्वालिफाइड पर्सन लिख रहा है प्रिस्क्रिप्शन उसका नेम मेंशन होना चाहिए, उसका एड्रेस, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है, हर फिजिशियन का भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो भी MCI के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेंशन होना चाहिए। ये सारा कुछ जो है ये प्रिंटेड फॉर्म में हो सकता है, बट जो फिजिशियन के सिग्नेचर हैं वो इंक पेन से होने चाहिए क्योंकि ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। प्रिस्क्रिप्शन जो है एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है और इसका कोई भी स्पूरियस पेपर मार्केट में मिसयूज हो सकता है, इसलिए जो सिग्नेचर है प्रिस्क्राइबर के वो हमेशा इंक पेन पे होने चाहिए। तो ये है आपका टॉपिक प्रिस्क्रिप्शन एंड पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जब भी पेपर में